remember. हाय, मेरा नाम है यश दुबे, वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। तो आज की टिप बहुत ही हेल्पफुल रहेगी शोल्डर वर्कआउट्स के लिए। क्या होता है कि हम जब शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं तो हम बस क्या कर रहे हैं, हम प्रेसिंग कर रहे हैं अपनी, हमारे फ्रंट डेल्ट्स के लिए और पूरी शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए। हम साइड लैटरल रेजेस लगा रहे हैं अपने मिडिल डेल्ट्स के लिए, और हम या तो डब्ल्यू रेजेस लगा रहे हैं या फिर कोई हम रोइंग मोशन लगा रहे हैं अपने जो है रियर डेल्ट्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लगाना। तो उसके बाद पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम क्या आ रही थी मुझे फुल बॉडी मोशन कम से कम एक तो रखना ही होता है अपने वर्कआउट में, ये मैं ट्राई करता हूँ। इससे क्या होता है, इंटेंसिटी बनी रहती है आपकी, आप ज़्यादा थकते हो, आपका कैलोरी बर्न फास्टर होता है और आपकी परफॉर्मेंस ओवर टाइम घटती जाती है। तो जैसे कि जब आप स्क्वाट्स लगा रहे होते हो, आप डेडलिफ्ट्स लगा रहे हो, आप पुशअप्स लगा रहे हो, आप पुलअप्स लगा रहे हो, तो आपका ज़्यादातर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। जैसे पुलअप्स में भी आप एक्चुअली पूरी बॉडी को पुल कर रहे हो केवल आर्म्स की मदद करके, आपकी पूरी बैक इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। जब हम मसल्स को एक साथ यूज़ करते जाते हैं तो क्या होता है कि मसल्स को एक साथ काम करना आता है, जो कि एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैं केवल अपनी रियल लाइफ में या किसी एथलेटिक मूवमेंट में कि आज मैं बैटिंग करूँगा तो अपनी चेस्ट का यूज़ करूँगा बस, या बॉलिंग करूँगा तो अपने शोल्डर का यूज़ करूँगा। आपकी सारी मसल्स एक साथ यूज़ होंगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी बहुत सारी मसल्स, जो मसल ग्रुप्स हैं जिनको एक साथ काम करना अच्छा लगता है, इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, जो इनको एक साथ काम करना अच्छा लगता है उनको एक साथ काम करना आना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फुल बॉडी मूवमेंट्स। तो फुल बॉडी मूवमेंट्स हम शोल्डर पे नहीं कर पा रहे थे, पर फिर मेरा ध्यान गया, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ओलंपिक वेट लिफ्टिंग देखता रहता हूँ, तो उसमें एक एक्सरसाइज होती है क्लीन एंड जर्क्स। क्लीन एंड जर्क्स बहुत अच्छी होती है, क्लीन एंड जर्क्स अगर आप बारबेल के साथ लगाओ तो कुछ ऐसा मूवमेंट होता है। मान लो मैं बारबेल के साथ लगा रहा हूँ, तो आपने क्लीन की पहले, जैसे वो तो बैठ जाते हैं, उनकी काफ़ी हैवी वेट होती है, उसके बाद आप जर्क करते हो, तो ये बहुत ही अच्छा मोशन होता है, इसमें आपकी बॉडी की सारी मसल्स यूज होती हैं। उसके साथ साथ जो जर्क पोर्शन है इसका, उसमें आपकी शोल्डर मसल्स प्रीडोमिनेंटली यूज हो रही हैं, क्योंकि आप वही ओवरहेड प्रेस कर रहे हो। तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने शोल्डर वर्कआउट में, इसका आप कर सकते हो क्लीन एंड प्रेस यूज़ करके। क्लीन एंड प्रेस मैंने मतलब काफ़ी शुरू किया ये एक्सरसाइज करना, ऐसी कोई एक्सरसाइज है नहीं, हो सकता है आपको इंटरनेट पे ना मिले, पर मैंने थोड़ा सा ही उसका एक इवॉल्व वर्जन खुद से अपने लिए बनाया, काफ़ी हेल्प कर रहा था। इससे क्या होता है कि मेरी पूरी बॉडी थक जाती है, पसीने महने लगते हैं, पहने लगते हैं, और मेरा अच्छा खासा शोल्डर वर्कआउट तो हो ही रहा होता है, जो कि मुझे नॉर्मल एक्सरसाइज में नहीं मिल पा रहा था, या मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मेरे लेग्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। तो आपको बस क्या करना है, आप इसमें काफ़ी हैवी वेट यूज़ कर सकते हो, दो डंबल्स लो, आप उसके साथ क्यों नहीं कर रहे बारबेल के साथ, क्योंकि वो डेंजरस है, उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए, जो कि क्लीन और जर्क्स ही होती है, वो हमको नहीं पता है, अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता, मेरे को भी ढंग से नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूँ। पर डंबल्स के साथ बहुत ही सेफ हो जाती है ये एक्सरसाइज, क्योंकि कोई भी वेट आप अपने ऊपर नहीं रख रहे हो, आप बस हाथों से पकड़ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको डंबल्स लेने हैं, और क्यों सेफ होती है ये एक्सरसाइज, ये भी बहुत जानना जरूरी है। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं कैसे करनी है। आपको तो डंबल्स लेने हैं, काफ़ी हैवी वेट ले सकते हो आप, जो आप शोल्डर प्रेस करते हो वैसा वेट ले सकते हो। आपको अब क्या करना है, नॉर्मल शोल्डर प्रेस आप ऐसे करते हो, है ना, और करते जाते हो काफ़ी डेप्थ के लिए। अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको वेट ज़मीन पर रखना है और ज़मीन से पुल करना है। अब आपको बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट आपकी आउट रहेगी, जैसे कि आप डेडलिफ्ट लगाते हो। क्योंकि वेट कम है उतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि डेडलिफ्ट आप मान लो 100 किलो पे लगाते हो, पर ओवरहेड प्रेस आप फिर भी 40 किलो पे ही लगा रहे होगे, आप काफ़ी कम वेट पे लगा रहे होगे, तो आप काफ़ी कम वेट उठा रहे होगे, तो आपकी बैक की हेल्थ के लिए उतना बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, चाहे आपका फॉर्म उतना अच्छा ना भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए सेफ है ये एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा सेफ है। तो आपको बस क्या करना है, अब आप बैठ गए नॉर्मल पोजीशन में, अब आपको डंबल्स क्लीन की तरह उठाने हैं, मतलब ऐसे ना कि ऐसे रख देना नॉर्मल, और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको अपनी प्रेस करनी है, डंबल्स नीचे रख के और फिर वापस रख दिए। इससे क्या हो रहा है, ये मोशन मेरा जो बस ओवरहेड प्रेसिंग का मोशन था, ये पूरा फुल बॉडी मोशन बन गया, फुल बॉडी मोशन बन गया। मैं 10 रैप में कुत्तों की तरह हाँफना शुरू कर जाऊँगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैं थक जाऊँगा, मेरी काफ़ी जो है इंटेंसिटी इसमें लग जाएगी। तो आप इसमें, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक सेट करके दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा आपको करना कैसे है। तो आप वेट लोगे, या फिर आप वेट लोगे नॉर्मल, और आप जैसे मान लो मैं 7-8 रैप्स के लिए करने की कोशिश करता हूँ, आपने उठाया, आपने प्रेस की, आपने नीचे रखा, वापस रख दिया, फिर आपने उठाया,
फिर आपने प्रेस की, फिर आपने नीचे रख दिया और आपने वापस रख दिया, फिर आपने उठाया, फिर आपने तो जैसे ही मैं काफ़ी देर तक कर सकता था, पर काफ़ी बोरिंग हो जाएगी वीडियो, उसके लिए हम नहीं करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप पूरी बॉडी का यूज़ कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी थक रही है, आप हाफ हाफ रहे हो। डिफरेंट कैसे है क्लीन एंड जर्क से, क्लीन एंड जर्क में आप काफ़ी ज़्यादा वेट उठाते हो, उसके बाद इतना ज़्यादा वेट होता है कि आप नॉर्मली प्रेस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जंप करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी की बाकी मसल स्पेशली आपके लेग्स आपको वो इनिशियल पुश दे पाएँ और शोल्डर से थोड़ा सा जो है टेंशन जो है फोकस डाइवर्ट हो जाता है। इसमें नहीं होता, इसमें आपको उठाया आपने, अब यहाँ पर आपके बस पूरे के पूरे शोल्डर्स ही इन्वॉल्व है, आपको प्रेस करना है बिल्कुल शोल्डर प्रेस की तरह। अब अगर मान लो आपका एम ये है, आप नॉर्मल बारबेल ओवरहेड प्रेस ऑब्वियसली लगा रहे होगे अपने वर्कआउट्स में, बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है, वो भी लगाना, वो मत छोड़ना, पर उसके बाद आप दो सेट्स के लिए ये लगा सकते हो जिससे कि आपकी पूरी बॉडी चार्ज्ड अप हो जाए, या फिर पूरी एक्सरसाइजेस यही लगा सकते हो, पहली एक्सरसाइज 3-4 सेट्स के लिए आपकी पूरी बॉडी चार्ज्ड अप हो जाएगी, आपको बहुत एनर्जी फील होगी, आपके लेग्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। पर इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे आपका आज का वर्कआउट का एम था कि मैं अपने शोल्डर्स को ही ट्रेन करूं, मैं अपने शोल्डर्स को साइज के लिए ट्रेन करूं, हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करूं, तो आप क्या कर सकते हो, आपसे कोई नहीं कहना कि आप हर सेट में क्लीन करो, आप क्या करो एक सेट में क्लीन करो, उसके बाद 3 रैप्स या 4 रैप्स तो ओवरहेड प्रेस के, फिर वापस नीचे रखो, फिर वापस क्लीन करो, फिर 3 रैप्स तो फिर वापस नीचे रखो, और ऐसे कंटिन्यू करते जाओ एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर्स भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो गए, हर बार उसे 4-4 रैप्स मिल रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो रहे हैं, उसके बाद आपकी फुल बॉडी भी इन्वॉल्व हो गई, जो कि हमारा मेन एम था इस एक्सरसाइज के अंदर। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, मैं सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ जो जो मैं करता हूँ, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप फॉलो करो। एथलीट की तरह ट्रेनिंग करोगे तभी तो एथलीट की तरह दिखोगे, तभी तो ये लीनर लुक आएगा, तभी तो परफॉर्म कर पाओगे। आप बहुत हैवियर वेट्स लेकर बाद में कुछ सेट्स के लिए, कुछ रेप्स के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लीन एंड जर्क्स भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपने बारबेल की वो चीज़ हटा दी कि इंजरी वाली, क्योंकि बारबेल आपके ऊपर नहीं गिर रहा अब, क्योंकि डंबल्स हैं, आपने हैवियर वेट लिया, आपने क्या किया क्लीन की, क्लीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख लेना इंटरनेट पे, और आपकी बैक इंजर्ड नहीं होगी, आप वेट काफ़ी लाइट ले रहे हो क्लीन के हिसाब से। अब आप बस जर्क कर दो, फिर आप नीचे रख दो और फिर आप वापस रख दो, और हैवियर वेट ले लो, या फिर इसके ही रैप्स बढ़ाते जाओ। इससे क्या होगा कि आपके फुल बॉडी मोशन होगा, आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करते जाओगे, आपके शोल्डर्स एकदम, मैं बता रहा हूँ मैं करता हूँ ये काफ़ी बार, मैं करता हूँ, दो सेट के लिए भी करोगे ना आपकी पूरी बॉडी से पसीना निकलने लगेगा, आपके शोल्डर्स एकदम पॉप हो जाएंगे, आप मतलब कि एकदम ही पम्प्ड अप हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये करना, होप करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, और सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। पूरी वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो।